हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम बना रहे हैं कीमा करी। तो हमने यहाँ पे कीमा को ऑलरेडी पका लिए हैं, मटन कीमा। उसमें सब्ज़ी डालेंगे, तो सब्ज़ी में हमने यहाँ पे तुरई, बैंगन, गाजर, आलू लिए हैं। चार सब्ज़ी लिए हैं इसमें, सबको हमने बना के काट के रख लिए हैं पानी में डाल के ऑलरेडी। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी करी बना रहे हैं हम यहाँ पे। दाल को भी आगे रखा है हमने। यहाँ पे तीन किस्म के दाल लिए हैं, मूंग के दाल, मसूर के दाल और चने के दाल। हमने यहाँ पे तीन किस्म के दाल लिए हैं और चार किस्म के सब्ज़ी लिए हैं जो हमने ऑलरेडी बना बनी के रख लिए हैं। तो यहाँ पे कीमा जो है अपना पक चुका है, इस पर दाल डाल के पहले पकाएंगे। दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह दाल पका लेंगे पहले। जब दाल पक जाए उसके ऊपर में हम यहाँ पर सब्ज़ी डाल के पकाएँगे। दोस्तों, ये आप चपाती में, राइस में, किसी के भी साथ में खा सकते हो। अच्छा लगता है बहुत ही खाने में। तो फिर सारे सब्ज़ी डाल के कसेंगे अभी बहुत देर तक का, उसको पकाएंगे 10 मिनट तक का। ऐसे पकाने के बाद में पानी डालकर सीटियाँ लगाएंगे। तो पहले 10 मिनट तक का पका लेते हैं। तो लगभग अपना यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। दोस्तों, हम जो इसमें पानी डालने वाले हैं वो हम यहाँ पर गुनगुना पानी डालेंगे। तो यहाँ पर गुनगुना पानी तैयार कर लेते हैं। ये 10 मिनट तक का पक चुका है अच्छी तरह सा। ये देखिए, इसमें कुछ हरे मिर्च डाल देंगे 20 से 2 फाल करके, और गुनगुना पानी डाल देंगे। जल्द से जल्द सीटी भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे डाल देंगे इसमें पानी और 4 से 5 सीटियाँ लगाएंगे। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें नमक और पानी मिला के दीजिएगा। तो 4 सीटी के बाद में अपना करी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बढ़िया सा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल समलिन किचन को थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।